टूटे हुए दिल की सदा तो अभी भी मुझे विश नहीं करोगे? वो मोहब्बत करती है हारिस से। क्यों चाहतों के रास्ते मैंने तुमसे कहा भी था पर्सनालिटी बढ़ जाती है, भूल गए होंगे। चली गई है वो। आयशा, तुमने क्या किया मेरे साथ? तेरी मोहब्बत की परवाह किए बगैर तुमने हारिस को अपना घर साथी चुन लिया। सांस में तुम्हें जिया, खुदा से हर दुआ में मैंने तुम्हें मांगा। मैं ये सोच भी नहीं सकता मोहब्बत का ये अंजाम। हेलो हारिस, रुको, बात सुनो मेरी। बोलो। कहाँ थे तुम? Excuse me? हारिस, क्या किया है ये तुमने? निम्रा, for God's sake, तुम दोबारा शुरू मत हो जाना यार। क्या बात है? मामा की तबीयत बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? पापा ने सबको कॉल करके बता दिया है और अब सब मामा को कॉल करके पूछ रहे हैं तुम्हारी इस तरह अचानक शादी फिक्स होने की वजह, और उनके पास किसी को देने के लिए कोई जवाब नहीं है। हाय, मेरा बस चलता मैं तो रुख्सती भी साथ ही करा लेता। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तुम्हें अब भी समझ नहीं आया मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ। हारिस, खुद को धोखा मत दो। मोहब्बत इतने से दिनों में नहीं हो जाती किसी से भी। निम्रा, प्लीज यू स्टे आउट ऑफ इट, इट्स माय पर्सनल मैटर। नो, इट्स नॉट योर पर्सनल मैटर हारिस। तुम्हें उसको इस घर में लेकर आना है और इस घर में किसी को भी आयशा का वजूद कबूल नहीं है, तो बेहतरी इसी में तुम अपना फैसला बदल दो। अच्छा, फैसला बदल दो? देखो, मैं अपना फैसला तो नहीं बदल सकता, हाँ एक घर जरूर बदल सकता हूँ। हारिस प्लीज, मामा से इस तरह की कोई भी बात मत करना तुम। उनकी तबीयत बहुत खराब है, बहुत मुश्किलों से मैंने मेडिसिन देके सुलाया उन्हें। हारिस, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, पछताओगे एक दिन। वक्त देखो क्या हो रहा है बेटा। वक्त देखो या वक्त के बेरहम हाथ अपनी बर्बादी का तमाशा देखो। खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी कामयाबी दी है। जो कुछ छीन लिया उसके बदले उसका शिकवा किससे करूंगा? छीना उसे जाता है जो हमारा हो, हमारा उस पर कोई हक नहीं है। उसे अपना समझना हमाकत है बेटा। उन
लोगों के हम पर बहुत एहसानात है, हम उनसे रिश्तेदारी नहीं छोड़ सकते। अम्मी, आप आयशा से प्यार नहीं करती? वो तो मेरी बेटी है, बेगम साहिबा से भी ज्यादा प्यार करती हूँ उससे। तो फिर आप अपनी बेटी को किसी ऐसे शख्स के साथ कैसे रुखसत होने दे सकते जो उसके काबिल ही ना हो? सो जाओ तुम। आपको लगता है कि मैं सो सकता हूँ? हाँ, अभी अगर आके आशा कह देगी ना सो जाओ तो तुम खड़े खड़े सो जाओगे। हारिस बेटे के नाश्ते में साथ ही लगा दे। जी। भाई मैंने हारिस से कहा कि कोई इंसानों वाला तरीका है कि दिन चढ़े तक सोते रहो। आज से वो उठेगा और मेरे साथ वक्त पे दफ्तर जाया करेगा। अच्छा, और वो मान गया? हाँ, जाहिर है, जब हम उसकी इतनी बड़ी बात मान रहे हैं तो वो क्यों नहीं मानेगा। करेक्शन कर लें आप, हमने नहीं, सिर्फ आपने उसकी बात मानी है। प्लीज रोजाना, बस कर दो ना, अब औलाद जवान हो जाए तो फिर माननी ही पड़ती है बात। इतने बेबस नहीं थे आप कि उसकी जिद की वजह से मान गए? गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड। मैं रात आया तो पता चला आप मेडिसिन लेकर सो चुकी थी, इसलिए मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। डिस्टर्ब तो तुम कर चुके हो हारिस। आप परेशान नहीं हो मम्मा, मैंने अपने फैसले पर गौर किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका रिएक्शन गलत नहीं था। थैंक गॉड, तुम्हें समझ आ गई। जी, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि जब आप आयशा को इस घर में एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो मुझे उसे इस घर में नहीं लाना चाहिए। देखा, मैं जानती थी कि मेरा बेटा कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेगा जिसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं होगी। हारिस, आर यू सीरियस? यस पापा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी के बाद आयशा को इस घर में नहीं रखूंगा। हम दोनों ऐसा करेंगे, कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो यहाँ पर, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हारिस, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? कैसा? अरे मम्मा, इसमें हर्जी क्या है? मैं और आयशा कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा ना यहाँ पर, आप सुकून से रहिएगा। हारिस, ये तुम्हारा घर है, तुम यही रहोगे। वो इसकी दुल्हन नहीं बनेगी। दुर्दाना, दुर्दाना। आप परेशान ना हो, अभी कैसा मुझे ही लड़ने दे। क्या आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि आपको कितने कम वक्त में अपने इकलौते बेटे की शादी की तैयारियां करनी है? लीव मी अलोन। नहीं, आई कांट लीव यू अलोन।
मामा अब यकीन जाने आपके बगैर मेरी सारी खुशियां अधूरी हैं। बस कहने की हद तक। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आयशा के मामले में बहुत बेबस हूं। आप मुझसे कुछ भी और मांगले मैं कभी इनकार नहीं करूंगा, बस आयशा को मुझसे ना छीने, वो मेरी खुशी है। शर्म करो हारिस, पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर दिया उस लड़की ने तुम पर कि खुद को इस तरह से बेबस समझने लगे हो। जब ये जानती है कि मैं बेबस हो गया हूं तो फिर ये भी मान लेना कि उसके जादू का तोड़ मेरे बस में नहीं है। अम्मी वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा। अच्छा वो मिल जाए चाहे सारे रिश्ते छूट जाए। मैंने तो आपसे कहा है कि मुझे आपकी जरूरत है। अच्छा तो इसीलिए इस घर को छोड़ने की बात की थी तुमने। माँ बाप अपनी औलाद को इसलिए जवान करते हैं कि वो जवान होकर अपने माँ बाप को ताने देती रहे। ऐसी बात नहीं है। मैं इस घर से नहीं जाना चाहता, मेरा अपना घर है, मैं यहां से कहां जाऊंगा। लेकिन अगर आप आयशा को इस घर में कबूल नहीं करेंगे तो मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। I'm sorry. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कॉल क्यों पिक नहीं कर रही थी? मैं अननोन नंबर से कॉल नहीं पिक करती। अच्छा ये मेरा नंबर है, सेव कर लो। बाय द वे मुझे कॉल करने की इजाजत तो है ना? हारिस अगर आपसे एक बात कहूंगी तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? हाँ कहो। शादी से पहले यूं फोन पे बात करना मुनासिब नहीं है। अरे क्यों, तुम्हारी मंगनी हो गई है और अब कुछ दिन बाद शादी है। हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ कि कुछ दिनों की बात है, सब्र कर लीजिए। अच्छा ठीक है, सब्र कर लेते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी बात का बुरा नहीं माना होगा। अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है तुम अपना ख्याल रखना। लिसन आई लव यू। कोई सांस लेती आरज़ू ऐसे कहीं रुक जाए ना, अरमानों में उम्मीद की जो है रोशनी मुक जावे ना। अरे फैजी कैसे हो? जी, मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो। आप जा रही हैं कहीं? हाँ शॉपिंग पे जा रही हूँ, लेकिन तुम कहो क्या कहना है? मुझे आपसे हारिस के बारे में बात करनी है। इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? पूछो क्या पूछना है। आपको यकीन है आप हारिस के साथ खुश रह सकेंगे? इंशाल्लाह।
वो मोहब्बत करते हैं मुझसे, और जो लोग मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत ही बहुत बड़ी दलील होती है। लेकिन वो तो चलें बेटे। जी मामा। फैजी आके बात करती हूँ तुमसे। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा है तुम्हारी ट्रेनिंग आयशा की शादी के बाद होगी। शादी की तैयारियों में जरा तुम फरहान का हाथ बटा दोगे? जी जरूर। चले। हाँ मामा। पापा मैं तुझे क्या बताऊं, अभी तो मेरा काम बढ़ जाना है। छोटे साहब की शादी जो हो रही है। अरे नहीं नहीं खानदान की लड़की नहीं है, पर है अल्लाह वाली। मैं तो सुन के हैरान होगी, किसी मर्द के सामने चेहरा नहीं खोलती, सख्त पर्दा करती है, नमाज रोजे की भी बड़ी पाबंद है। वो तो इस घर में आ गई तो साहब लोगों की तो बल्ले बल्ले हो जानी है, और नहीं तो क्या, हर कोई कहेगा अल्लाह वाली बहू लेकर आए। वैसे आपा तुझे एक बात बताऊं? अरे आपा यहाँ तो सबकी मूड ही खराब है। वो आपा मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो बेगम साहबा, वो आपा, आपा का फोन था मेरे। आइंदा मैंने तुम्हें काम के वक्त फोन पे बात करते हुए देखा ना, तो तुम्हारे फोन के साथ साथ तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगी मैं। जाओ यहां से। वो तो इस घर में आ गई तो साफ लोगों की तो बल्ले बल्ले हो जानी है। ये मैं क्या सोच रही हूँ और क्यों सोच रही हूँ? कुछ नहीं होगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। आयशा और आंटी शॉपिंग से वापस नहीं आए? तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? शादी में दिन थोड़े रह गए, शॉपिंग करने में थोड़ा बहुत तो वक्त लगा करेगा ना। आज तुम्हें उनके आने का इतना इंतजार क्यों है? मैं आयशा को हारिस की असलियत बताना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कोशिश की थी लेकिन आंटी आ गई, बात बीच में ही रह। तुम लाख कोशिश कर लो, ये बात हमेशा बीच में ही रह जाएगी। मुझे बद्दुआ तो मत दे। तुम समझो तुम्हारे लिए यही दुआ है। ये कैसी दुआ है अम्मी, जो मेरा तन मन झुलसा देती है। खुद को संभालो फैजी। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग जल्दी नहीं शुरू हो सकती? आप मुझे यहाँ से भेजना चाहती? मुझे तुम पर एतबार नहीं है फैजी। तुमने ऐसा वैसा कुछ कह दिया तो तुम्हारे साथ मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा, और मैं आयशा बेटी की शादी से पहले यहाँ से जाना नहीं चाहती। जिसे इतने मान से आप अपनी बेटी बोलते, उसकी जिंदगी में कुछ गलत हो जाए, ये कैसे होने दे सकती हैं? कुछ गलत नहीं हो रहा उसकी जिंदगी में, बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम खुद गर्ज बन के उसके बारे में सोच रहे हो। मैं आप कभी नहीं समझेंगी मेरी बात। वैसी रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, बाजार नहीं जा रहा हूँ उसको बताने के लिए। यार हारिस तू अपने अम्मी और अब्बा को इस तरह ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? मैं कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मैं वाकई अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटूंगा। मेरे भाई तू ये बात आराम से भी तो कर सकता है ना? बहुत कोशिश कर ली समझाने की, नहीं समझ आ रहा लोगों को यार। लेकिन अंकल तो तुम्हारे साथ है ना?
उनका होना काफी नहीं है। जब तक मैं इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर लेती मैं घर नहीं जाऊंगा। यार अगर इस तरह उनने तुम्हारा रिश्ता मान भी लिया तो मजबूरन मानेंगे, दिल से थोड़ी मानेंगी। व्हाटएवर यार, कम से कम तू अपने डैड को तो बता दे कि तू मेरे साथ है। पता है उन्हें। ओह सो आई सी, तुम दोनों बाप बेटे ने मिलके साथ प्लानिंग की हुई है। साजिश नहीं कहते इसे, स्ट्रैटेजी कहते हैं। फोन ही ऑफ कर देता हूं। बारह फोन सो जाओ, वो नहीं आएगा। कितने आराम से आपने कह दिया कि वो नहीं आएगा। तो भाई जब हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो मनमानियां तो करेगा। मनमानियां तो वो कर रही है, और इन्हीं मनमानियों में हमारा बेटा हमसे बहुत दूर चला जाएगा। बेहतर है कि हम उसकी बात मान लें। ये सब कुछ ना आपका किया धरा है। मेरा कुछ किया धरा नहीं है, मैंने सिर्फ एक सजेशन दी थी। मुझे क्या पता था वो मोहब्बत ही कर बैठे। उस लड़की ने तो आने से पहले ही हमारा बेटा हमसे छीन लिया। उसने हमसे कुछ नहीं छीना, अलबत्ता हम अपने बेटे से उसकी खुशी छीन रहे हैं। आप लिख ले मेरी बात, वो लड़की इस घर में आ भी गई ना तो हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। और भी अच्छा है, कल को हारिस कम से कम हमें तो कोई इल्जाम नहीं दे पाएगा ना। ज़हीर आप हारिस को और इस घर को एक तजर्बे की भेंट क्यों चढ़ा रहे हैं? ठीक है, अगर तुम उसकी बात नहीं मानना चाहती तो अपनी जिद पे कायम रहो, मगर एक बात याद रखो, वो भी तुम्हारा बेटा है और जिद में तुमसे ज्यादा पक्का है। मुझे यकीन है इस बात का कि आज वो देर से ही घर आएगा, सिर्फ हमें यह एहसास दिलाने के लिए कि वो हमें छोड़कर जा भी सकता है। एहसास की बात नहीं है, वो तो खुले लफ्जों में तुमसे कह चुका है कि अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगी तो वो आयशा को लेके अलग घर बसा लेगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम उसकी ख्वाहिश मान लें, उसकी खुशी पूरी करें, अपनी जिद छोड़ दें। मैंने इस मसले का हल ढूंढ लिया ज़हीर, मैं आयशा के घर जाऊंगी और उससे डो टोक बात करूंगी कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। देख लो इस तरह तुम अपने बेटे को खुद से और दूर कर दोगे। आप सो जाए। हारिस जिद नहीं करो बेटा, घर आ जाओ। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। अरे हाँ भाई, मेडिसिन ली है उसने, लेकिन तुम तो जानते हो ना ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज शाबाश आज। ओके अरे वो फिर उठ के आ गई। मैंने कहा था मेडिसिन ली है तो थोड़ी देर रेस्ट करो। क्या कहा हारिस ने? तुम्हारी तबीयत क्या बता दिया मैंने उसे? आपकी तो फोन अटेंड कर लिया उसने, लेकिन जब मैंने उसे फोन किया तो उसका फोन ही बंद है। नहीं, फोन उसका ऑफिस था, अभी ऑन किया उसने। वरा पारा फिक्र। थैंक यू सो मच। वाओ दिस इज हेवी। हां तुम्हें याद था? बिल्कुल याद था। पहले मैंने सोचा कि मैं रात में ही विश कर देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, तुम्हें मिलकर सरप्राइज दूंगी। हाउ स्ट्रेंज, सरप्राइज मुझे तुम्हें देना था और मेरे सरप्राइज का तो तुमने सारा मजा ही खराब कर दिया। ऐसा क्या सरप्राइज देना था मुझे? शाम को दोस्त के घर में बर्थडे पार्टी अरेंज की है एंड यू हैव कम। ऑफ कोर्स आई विल कम। कौन कौन आ रहा है? बस मेरे वो दोस्त जो जिंदगी में बहुत अहम है मेरे लिए। Sounds like fun, huh? Of course, it'll be fun. मैं जरूर आऊंगी। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है? नहीं आओगी तो मैं उठा के ले जाऊंगा, समझी? आज से पहले कभी इनकार किया है तुम्हारी किसी बात को?
और जहां तक बात रही उठा कर ले जाने की, तो आप खुद डिले करें मम्मी पापा को घर लाने में। आज नहीं यार, कम ऑन, मेरी बर्थडे है, ये बात करना जरूरी है क्या? हाशिर, जब तुम इस बात से इरिटेट होते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। I want to enjoy this. मैं ये मोहब्बत जीना चाहता हूँ। शादी तो लोग करते ही हैं, शादी हो जाएगी, पूरी उम्र पड़ी है शादी के लिए, शादी कर लेंगे। अच्छा ओके, बट स्माइल ना। I'll order something for you. We'll start with dessert. Okay. Excuse me. अब तुम मुझे इस तरह से आजमाओगे? मैं तो खुद आजमाइश पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या जरूरत थी आने की? जही ने तुम्हें बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे देखने चले आए। अगर मेरा इतना ही एहसास है तो मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? माँ बाप का बहुत हक होता है अपनी औलाद पर। लेकिन माँ बाप औलाद से उसकी जिंदगी नहीं छीनते मम्मा। औलाद की जिंदगी माँ बाप की वजह से होती है हारिस। लेकिन जब मोहब्बत हो जाती है ना, तब ये वजह बदल जाती है। इसी बात का दुख है मुझे। मैंने सोचा था कि मैं आयशा के पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी कि किसने तरबियत की है उसकी। माँ के इकलौते बेटे को उसके सामने लाके खड़ा कर दिया है, किस खुदा का एकाम मानती है वो? मामा प्लीज, आप उससे ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप उसकी इज्जत नहीं कर सकती तो उसकी इंसल्ट करने का भी कोई हक नहीं है आपको। तो तुम मानते हो ना ये बात कि मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकती, तो मैं उसे घर में कैसे लाऊंगी? मान तो गया हूं। मान तो गया हूं आपकी बात में। मैं पापा से कहूंगा कि वो फरहान अंकल को मना कर दे। हारिस, जिसे तुम मोहब्बत समझ रहे हो ना, वो मोहब्बत नहीं है। उसने पढ़कर कुछ अपने बस में कर लिया है तुम्हें। Wow, this is beautiful. हाशिर, बाकी सब कहाँ है? बाकी सब कौन? तुमने कहा था ना तुम्हारे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, तो वो अभी तक आए नहीं क्या? पहले तो नहीं आ गई मैं। मैं हूँ, तुम हो, किसी और की क्या जरूरत? हाँ, लेकिन तुमने कहा था कि बहुत सारे लोग होंगे, पार्टी है, तो पार्टी जैसा कुछ लग नहीं रहा मुझे। कहा था कि वो लोग जो अहम है मेरे लिए, और तुमसे ज्यादा अहम तो कोई नहीं है ना मेरी जिंदगी में। हाशिर, ये तुम क्या कर रहे हो? निम्रा, क्या हो गया? मोहब्बत करती हो ना मुझसे, घबरा क्यों रही? हाँ छोड़ो मेरा, तुम्हें शादी करनी है मुझसे, शादी के झंझट से आजाद होते हैं, लेट्स हैव फन। ये तुम पागल हो गए हो? कहाँ जा रही हो तुम? क्यों रिएक्ट कर रही हो ऐसे? इट्स नॉर्मल नाउ डेज, होता है ये सब आजकल। हाँ
ब्रदर कौन है तुम? खैर जो कोई भी हो चलो शाबाश, तुम जाओ हमारा जाती मामला हम देख लें। क्या लगता है तुम्हारा? कुछ भी नहीं लगता, ये मेरा खिदमत घर का बहुत शौक है तुम्हें। तुम जाओ यहाँ से, मैं निपटता हूँ। हाँ उठा के नहीं लाया, खुद आइए यार अपनी मर्जी से। चलो चाहिए, तुम्हारी बात मान गया। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि वो जो कह रहा है कर नहीं पाएगा। अपनी बात का बहुत पक्का है, जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। वो पक्का है अपनी बात का? इसी बात का तो डर है। जो इंसान पक्का होता है अपनी बात में, वो मोहब्बत में कमजोर नहीं हो सकता। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, कहो। अफरान अंकल को कॉल करके इनकार कर दे। पहले मैंने सोचा कि ये मुश्किल काम मैं आपसे ना करवाऊं, मैं खुद ही आयशा को कॉल करके मना कर दूं। मुझे याद आया कि मैंने आयशा से वादा किया था कि शादी हो जाने तक मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। आप कॉल करते हैं। सोच लो अच्छी तरह। मेरे कॉल करने का मतलब यह होगा कि फिर इस फैसले में कोई तब्दीली नहीं हो पाएगी। जी मुझे अंदाजा है इस बात का। वो आपसे इनकार की वजह पूछेंगे तो आप कह दीजिएगा कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूं और आप नहीं जानते कि मैं वापस कब तक आऊंगा। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारा बाप झूठ बोलने में इतना एक्सपर्ट है? ये बात झूठ नहीं पापा, मेरा वाकई यही प्लान है। तुम फिर बाहर जाने की बात कर रहे हो? यार है कि मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा, उसे भूलने के लिए कुछ वक्त चाहिए होगा मुझे। कितना वक्त? मैं क्या कह सकता हूं, पहली बार मोहब्बत की है, एक्सपीरियंस नहीं है ना कि पहली मोहब्बत को भुलाने में कितना वक्त लगता है। सुना है कि जिंदगी भी कम पड़ जाती है। देख रहे हैं आप, इनकार करने की सजा दे रहा है हमें। बस कर दो, बस कर दो, तू है ना, बस कर दो प्लीज। हर बात का इल्जाम से मत दो, तुम्हारी खुशी के लिए खुद को सजा दे रहा है। मैं उसे कोई सजा नहीं देना चाहती ज़हीर। एक बार चला गया ना वो तो सारी जिंदगी उसकी खुशियों के लिए तरसोगी। यार हारिस मुझे समझ नहीं आता कि तुम हर बात पे इतने एक्सट्रीम क्यों हो जाते हो। तुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। सुबह तक तो तू आयशा को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था और अब तुम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो। समी इस वक्त में बहुत बेबस हो गया है। हारिस मुझे अंदाजा है इस बात का।
पता है समी, वो ऐसी लड़की ही नहीं है कि मेरी मोहब्बत को समझकर मेरा साथ देने की खातिर वो कुछ भी ऐसा कर गुजरेगी जिसमें उसके या मेरे घर वालों की मर्जी शामिल ना हो। लेकिन मोहब्बत में तो लोग बहुत कुछ कर गुजरते हैं। मोहब्बत मुझे है उससे, उसे नहीं है। Are you sure? उसे अगर मुझसे मोहब्बत होती भी ना समय तो भी वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके कभी मेरा हाथ ना थामती। वो ऐसी लड़की नहीं है। उससे बात करके तो देख यार। नहीं यार समय, वो मुझसे बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करती है और मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस का भरम रखना चाहता हूँ। तुम्हारा इनकार सुन के भी ये भरम टूट ही जाएगा ना। हारिस तो उसे भूल नहीं पाएगा। मैं उसे भूलना चाहता भी नहीं। मैं तो बस ये चाहता हूं कि उसे खोने के बाद मेरे तड़पने का तमाशा कोई और ना देखे।